ओम ज्ञानतिमिरां दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। एक बार जोर से बोला सब सो रहे हैं। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद श्रोतर सत श्री श्री श्रीमात भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद श्रोतर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद श्रोतर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्री बन महाराज जी शांत महाराज विष्णु महाराज जीत प्रभु विजय प्रभु संजय प्रभु अन्य समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज हम लोगों का बहुत बहुत ही बढ़िया दिन है। हमारे ऊपर जो बच्चे बात कर रहे हैं ना उनको मना कर दो। ऊपर जो लोग हैं जो बच्चे बात करते हैं उनको चुप करा दो। ऊपर में कौन है? आज हम लोगों का बड़ा सौभाग्य का दिन है। हमारे गौड़ीय वेदांत समिति के जो तीन स्तंभों में उसमें जो दो स्तंभ है आज एक आविर्भाव और आज और एक तिरभाव है। अभी श्री तिरभाव महोत्सव को उपलक्ष्य में श्री जीत प्रभु कह रहे थे कि जो वैष्णव लोग है जैसे भगवान कहते हैं जन्म कर्म च दिव्यम एवं जह व्यतीतत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नयति मामेति स्वर्गम्। भले हे अर्जुन मेरा जो जन्म कर्म ये दिव्य और अपराकृत अवलौकिक है अगर तत्वतः इसको कोई जान ले फिर इस संसार में जन्म ग्रहण नहीं करता है। उसी तरह जो वैष्णव का जो आविर्भाव जो तिरभाव है जो तिरभाव तिथि है कहते भगवान से भी ये वैष्णव लोग ज्यादा दयालु है क्योंकि भगवान की साल में एक बार ही भगवान की आविर्भाव महोत्सव को पालन करने का हमें सौभाग्य मिलता है। लेकिन वैष्णव लोग इतने दयालु है उनकी साल में दो तिथि हमें मिलता है एक आविर्भाव और एक तिरभाव क्योंकि उनका जो तिरभाव अगर वैष्णव लोग चाहते तो जैसे ध्रुव महाराज जी सशरीर में वैकुंठ विजय किया है और श्री मध्वाचार्य भी उनका जीवन में भी ऐसे देखने को मिलता है। इसलिए वैष्णव जन्म कर्म बंधनांच वैष्णवनांच विद्यते। वैष्णव का कोई जन्म कर्म बंधन नहीं है बोले संगे आई सन संगे जायने तथा वो भगवत इच्छा से इसी जगत में आते हैं और भगवत इच्छा से ही इस संसार से चले जाते हैं। इसलिए हम वैष्णव लोगों को मरना शब्द हम प्रयोग नहीं करते हैं। तिरभाव अंतर्ध्यान लीला विरह महोत्सव निर्जान तिथि हम इस सब शब्दों को प्रयोग करते हैं क्यों जो वैष्णव लोग है हम लोग कहते ना विरह महोत्सव लेकिन ये संसार में देखो विरह को थोड़ी कोई महोत्सव कहते हैं कोई मर जाए तो दुखी होते हैं लेकिन ये वैष्णव जगत है दिव्य अपराकृत जगत है यहाँ पर जो महोत्सव क्यों कहते हैं यहाँ पर तो दिखाई पड़ा वैष्णव लोग संसार से गए लेकिन गए तो गए कहाँ और कहीं नहीं गए वो अपना नित्य लीला में ही प्रविष्ट किया है। जब वो नित्य लीला में प्रवेश करते हैं
वहां पर बहुत बड़ी उत्सव होता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ना, जो माया में जो फंसे हुए जीव, अगर एक जीव को किसी तरह से कृष्ण भक्ति में उन्मुख कर दिया जाए, कहते करोड़ों करोड़ हॉस्पिटल स्कूल कॉलेज खोलने पर जो पुण्य है उससे करोड़ों गुण ज्यादा उसका महत्व है। लेकिन जब एक मंजरी एक सखी, विशेष करके हमारे गुरुदेव कौन है, ये रमण मंजरी, जिसको राधा रानी स्वयं वृंदावन में स्वयं राधा रानी स्वप्न देकर के पुजारी को कहता है कि नारायण गोस्वामी महाराज मेरे मंजरी है, उनको प्रसाद देकर के जाओ। इसलिए स्वयं राधा रानी ये चीज को स्थापन करते हैं, हमारे श्री गुरुपाद पद्म कोई साधारण व्यक्ति नहीं। इसलिए गुरुदेव कभी कभी कहते थे मेरे चरण में जो लोग आश्रय ग्रहण किया है, गुरुदेव दावा देकर गुरुदेव कहते हैं मेरे शरण में जो आया है, जब तक मैं इनको गोलोक वृंदावन नहीं पहुंचा दूं तब तक इस जगत में मैं बारंबार आते रहूंगा, ये गुरु जी की वाणी है। इसलिए जब अनंत जीवों को, कितने जीवों को उन्होंने उधार करके गए, इसलिए हम गुरुदेव के लिए उदाहरण देते हैं, जैसे एक स्पर्श मणि गुरुदेव पाद पद्म थे। स्पर्श मणि क्या करता है, लोहे को सोना बनाती है, लेकिन लोहे को स्पर्श पत्थर नहीं बनाता है। लेकिन हम उदाहरण देते हैं हमारे श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, वो स्पर्श मणि थे, उन्होंने सोना नहीं बनाया, जिसको उन्होंने टच कर दिया ना, उनको उन्होंने पारस मणि बना दिया गुरुदेव ने, स्पर्श मणि बना दिया गुरुदेव ने। इसलिए गुरुदेव जब अनंत जीवों को, जब गुरुदेव प्रचार कर रहे थे, जब बहुत लोग गुरुदेव के पास में आए, कुछ कुछ अंग्रेजी पूरा पूरा तो उमड़ पड़े, किसने गुरुदेव को बोले नारायण महाराज आप इतने व्यक्ति को अपना चरण में ले रहे हो, फिर इनका भविष्य क्या होगा, आप जब चले जाएंगे फिर इनका गति क्या होगा। गुरुदेव क्या कहते हैं, बोले एक नारायण तो जा रहा है लेकिन उसको पीछे अनंत नारायण को भी छोड़ कर ही जा रहा है। सचमुच से गुरुदेव को पास में जो आए ना, हम तो दूसरे दूसरे गौड़ियों मठ में जाते हैं, जैसे गुरुदेव हमें दायित्व देते हैं, जब रूप गोस्वामी का तिथि पालन में मेरे ऊपर गुरुदेव दायित्व देते थे, जितने बड़े बड़े विद्वान को बुलाओ, सबको बुलाओ, जितने गौड़ीय मठ में दूसरे, मैं कोशिश करता था जहां जहां पर कोई विद्वान कोई अच्छे कोई वक्ता होगा वो आए और रूप गोस्वामी के बारे में बोले। बड़ी कठिनी से दूसरे दूसरे गौड़ीय मठ में दो तीन बड़ी कठिनी से कोई निकलते थे जो कि सही सही विषय पर बोल सके, जो गुरुदेव जो विषय वस्तु के ऊपर बोल सके, मैं बहुत कोशिश करता हूँ बुलाने के लिए, लेकिन बड़ा कठिन से मिलता है। लेकिन हमारे गुरुदेव का शिष्यों में देखो, शिष्य तो है ही है, शिष्य का शिष्य में देखो गुरुदेव की, इतने अच्छे अच्छे गुरुदेव की शरण में जो आए हैं, जो एक एक जो सन्यासी गुरुदेव के हैं, हम जो सुनते हैं ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जने, एक एक भक्तों में एक एक ब्रह्मांड को तारण करने का शक्ति, कहते ये महाप्रभु को भक्त में दिखाई पड़ता है। लेकिन सचमुच से गुरुदेव का जो शिष्य आए, जो एक एक जो सन्यासी गुरुदेव के श्री चरण में आए, सचमुच से सन्यासी की बात छोड़ दो, एक एक सन्यासी तो बड़े धुरंधर है, सन्यासी की बात छोड़ दो, गुरुदेव के आश्रय में जो ब्रह्मचारी भी है, जो उनकी ब्रह्मचारी एक एक ब्रह्मचारी, हम विजय प्रभु को देखो, इनको देखो विजय प्रभु को, हमको हमारे संजय प्रभु को देखो, और जीत प्रभु हमें कथा सुना रहे थे ना, क्या गंभीर से गंभीर तत्वों को विरोह को प्रया, संजय प्रभु जब प्रभुपाद की, जब उन्होंने तत्व दर्शन की, प्रभुपाद को विचार जब हम लोग भी सुनते हैं ना, जिनकी विचार सुनकर हम भी दंग रह जाते हैं, हम कहते देखो गुरुदेव ने कैसे कैसे रत्नों को गुरुदेव ने छोड़कर, कैसे कैसे रत्नों को गुरुदेव ने छोड़कर गए हैं। इसलिए हम लोग को बड़े सौभाग्यवान गृहस्थ में एक एक भक्त को देखो, हमारे अजय प्रभु देखो, सच कितने सारे गृहस्थ भक्त देखो, गृहस्थ भक्त में पुरुष लोग को छोड़ दो, माताओं को एक एक देखो, उनका जो शिष्या है अभी संपूर्ण विश्व में गुरुदेव का शिष्य जो माताएं प्रचार करके सारा दुनिया में टहलका मचा रहे हैं, सारा दुनिया में ऐसे ऐसे गुरुदेव की हमारे ऊपर में गुरुदेव की कृपा है। बोले श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की। इसलिए कहते इनकी जो विरह महोत्सव हम कहते हैं, हैं? जब श्री गुरुपाद पद्म कौन है, श्री रमण मंजरी श्री गुरुपाद पद्म, इसलिए जब इसी जगत में आ करके अनंत जीवों को जब उन्होंने भगवत भक्ति में लगा करके
प्रभु की प्रेम में लगा करके जब अपना वैकुंठ विजय, जब गोलोक वृंदावन को विजय करते हैं, यहाँ पर तो दिखता है विरह, लेकिन वहां पर बहुत बड़े उत्सव होता है, क्योंकि उन्होंने एक जीव को उद्धार करो तो इतना महिमा है, लेकिन जिन्होंने इतने जीव को चरण में आश्रय दे करके, इतने जीवों को जब उन्होंने गोलोक वृंदावन जाते हैं, अब समझो वहां पर कितने महोत्सव नहीं होगा। इसलिए हम उनको विरह को महोत्सव शब्द हम प्रयोग करते हैं। अभी हम कथा सुन रहे थे, इन लोगों का जो गुरु निष्ठा है, अभी बामन गोस्वामी महाराज की अभी कथा सुन रहे थे, बामन गोस्वामी महाराज का जो गुरु निष्ठा अभी सुन रहे थे ना, एक दिन भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज सब शिष्यों को बुलाए, सब शिष्यों को बुला करके उन्होंने बोले भक्ति का डेफिनेशन क्या है। अभी सब लोग भक्ति की सा परानुरक्ति ईश्वरे अनन्य ममता भक्ति ममता प्रेम संगता अन्याभिलाषिता शून्यम, बड़े बड़े श्लोकों को उन्होंने बोले भक्ति का डेफिनेशन और सबसे भगवान को प्रसन्न करने का उपाय। लेकिन जब श्री बामन गोस्वामी महाराज को बोले तुम कुछ बताओ, अभी सुन रहे थे ना, उन्होंने क्या बताया, बोले अभी तक तो मैंने महाप्रभु को देखा ही नहीं, अभी तो रूप गोस्वामी को मैंने देखा ही नहीं, अभी तो रूप हमें तो नरोत्तम श्यामानंद प्रभु को देखा ही नहीं अभी तक। हाँ, अभी तक हमने अपना गुरुपाद पद्म का दर्शन कर रहे हैं, अभी तक हम श्री गुरुपाद पद्म का दर्शन कर रहे हैं। अगर हमारी सेवा चेष्टा से अगर हमारी गुरुजी अगर संतुष्ट हो गए ना, मैं समझूंगा सारे हमारी जितने चेष्टाएं सबके सब सफलीभूत हो गया, सबके सब हमारी सार्थकता हो गया, अगर हमारे गुरुपाद पद्म अगर हमारे प्रति प्रसन्न हो गए। इसको सुन करके भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज हृदय उनकी गदगद हो गया, उनके हृदय गदगद हो गया इनकी सुनकर, बोले सही बता रहे। इसलिए बामन गोस्वामी महाराज ये बात को कहा करते थे। लेकिन हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की गुरु निष्ठा को देखो, जब इन्होंने सन्यास देना, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज सन्यास देना चाह रहे थे श्री किसको, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, बामन गोस्वामी महाराज हमारे महाराज को, जब सन्यास देना चाह रहे थे इनसे पूछे मैं तुम लोगों को सन्यास देना चाहता हूँ, लेकिन बामन गोस्वामी महाराज बोले हमने सन्यास को देखा है, जिस समय सारे प्रभुपाद का शिष्य लोग एकत्रित होकर के कोई तत्व दर्शन के ऊपर में विवेचना होता था, हमारे नारायण गोस्वामी महाराज कहते थे जैसे हंसों के बीच में बगुला बैठते ना, हम भी बड़े दूर में बैठी करके ये गुरु वर्गों का हमने विचार सुनता था, इतने हाई फाई विचार होती थी हमारे दिमाग में प्रवेश नहीं करता था, महाराज बोलते थे। इसलिए बामन गोस्वामी त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज बोले हम तो संन्यास लेने का योग्य है नहीं, हमने देखा संन्यास का आदर्श, उनकी भजन, उनकी सिद्धांत तत्व दर्शन का हमने देखा, हम संन्यास लेने का योग्य नहीं। लेकिन देखो हमारे महाराज के अंदर में कितने गुरु जी के प्रति समर्पित कितने भावना है। गुरुदेव कहते हैं मैंने जब घरवार छोड़ करके आपका श्रीचरण में आया, मेरी पिता माता का प्रति जो स्नेह है, मेरी पत्नी का प्रति जो स्नेह है, परिवार का प्रति जो स्नेह है, बच्चों का प्रति जो स्नेह है, ये संपूर्ण स्नेह को मैंने क्रोड़ीभूत करके आपकी श्री चरण में मैंने रख दिया। अगर हमें सन्यास देना चाहते हो हम सन्यास लेकर रहेंगे, अगर लाल कपड़ा देना चाहते हो लाल कपड़ा लेकर के, गृहस्थ बनाना चाहते हो तो अगर हमें सफेद कपड़ा देना चाहते हो हम सब कुछ लेकर के रहेंगे, लेकिन आपकी जैसे इच्छा, क्योंकि आप जानते हो मेरी कल्याण कैसे है, आप जानते हो, इसलिए मैं सब कुछ लेने के लिए तैयार हूं। इसको सुन करके भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज सुन करके कहते उनका हृदय गदगद हो गया, भैया शिष्य तो ऐसे ही होनी चाहिए। जब श्री गुरु जी की शरण में आ गए, गुरु जी जैसे बोलते हमें वैसे करनी चाहिए, उससे कोई अलग हमें नहीं हटनी चाहिए। इनकी जो गुरु निष्ठा कैसे, उनके गुरु निष्ठा थी। इसलिए किस समय श्री देवानंद गौड़ीय मठ में बैठे हुए थे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, वहां पर सारे उनका शिष्य लोग बैठे हुए थे, कुछ लोग आ करके बोले बोले आपके पास में इतनी जमीन जगाते है, आप इसमें कुछ फूल क्यों नहीं लगाते हो, बोले आप देख नहीं रहे जो फूल तो बैठे, ये सब के सब फूल है, बोले क्यों, जो फूल की जो खुशबू, इसकी जो सौरभ, इसकी सौंदर्यता, इसकी सुंदरता कहां, कब तक, कुछ दिन बाद में ये मुरझा जाएगी, लेकिन ये जो फूलों को दर्शन कर रहे हो ये अगर एक दिन ऐसे खिलेंगे, क्यों, उनको तत्व दर्शन हरिकथा सुना रहे थे,
कहते ये जो फूल यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन वहां पर हमारे नारायण गोस्वामी महाराज भी बैठे हुए थे। मानो उनको लक्ष्य करके कह रहे थे, इनका खुशबू केवल भारत में नहीं, इनकी खुशबू, इनकी सौंदर्यता, इनकी संपूर्ण खुशबू संपूर्ण पृथ्वी में जाएगा। एक दिन पृथ्वी के जितने सारे भौरा सबके सब आकर के ये फूल की खुशबू, इसकी सुंदरता को, इसकी मधु को आस्वादन करेंगे। क्यों? वहां पर हमारे श्री नारायण गोस्वामी महाराज बैठे हुए थे। मानो इनको लक्ष्य करके उसी समय में ही उन्होंने ये बात को उन्होंने बताए थे। और सचमुच से हमारी महाराज का नाम क्या हुआ है? बोले श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज। नारायण का मतलब क्या है? कहते जब इनके घर में भी थे इनका नाम नारायण था, जब गुरु जी को पास में आए इनका नाम गौर नारायण ब्रह्मचारी, लेकिन जब सन्यासी हुआ ना इनका नाम भी नारायण, भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज। तो उन्होंने नारायण नाम क्यों रखा इनकी? क्योंकि हर गुरु जी हर शिष्य की हृदय की भावना को और हर शिष्य के अंदर में क्या क्या गुण हैं वो गुरु जी सब कुछ जानते हैं, इसलिए उनको पता था नारायण मतलब क्या है। बोले नरा नाम अयन इति नारायण, बोले समस्त जीव का जो आश्रय प्रदान करते हैं ये नारायण है। सचमुच से देखो, इसलिए हम अपना गुरु जी को हम उदाहरण देते हैं, श्री जीव गोस्वामी को साथ में हम उदाहरण। जीव गोस्वामी को पास में नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास तीनों आए, लेकिन इनका कोई शिष्य नहीं थे, ये तीनों इनका कोई शिष्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने उनको ग्रहण करते हुए उनको शिक्षा प्रदान की। शिक्षा प्रदान करते हुए संपूर्ण दुनिया में उन्होंने महाप्रभु का इनके अंदर में अद्भुत, हम तो बहुत नजदीक में रहकर गुरु जी को देखा। अभी जितने लड़ाई झगड़ा हो रही ना वो सब शिष्यों को लेकर के, ये मेरे शिष्य, ये मेरे मंदिर, और ये मेरे शिष्य मंदिर के सिवा कुछ है ही नहीं जगत, भले ही दुनिया भाड़ में जाए हमारे शिष्य और हमारे मंदिर। लेकिन महाराज को पास में हम नजदीक में रह करके देखा, गुरु जी के अंदर में एकदम ये भाव नहीं था। मानो गुरु जी के अंदर में जो कि महाभागवत का जो लक्षण है ना, इनके अंदर में एक महाभागवत का लक्षण था, जो सर्वभूतेषु जब पश्येत भगवत भावात्मन, सभी के हृदय में भगवान के अधिष्ठान, अयो निज परवैति गणना लघु चतसा, ये मेरे ये तेरे किसकी भावना है? जिसके हृदय तो छोटा हृदय है, लेकिन ये वसुधैव कुटुंबकम, जो महान होते हैं सबको अपना एक परिवार मानते हैं, लेकिन हमारी भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी का अंदर में विद्यमान है। देखो हम जितने बैठे यहाँ पर करी ना, कोई भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज का आश्रित, मैं भी भक्ति श्री सिद्धार्थी गोस्वामी महाराज का आश्रित, भक्ति प्रमद पुरी गोस्वामी और श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज नेमी महाराज को देखो, श्रील कोई गौर गोविंद महाराज का शिष्य, लेकिन ये सबके सब गुरु जी को शरण में आए, क्योंकि इन्होंने कभी भी विचार नहीं किया ये मेरा ये तेरा, इनके अंदर विचार था ही नहीं। हमने देखा इनके हृदय में जो जितने भक्ति करता था भजन करता था, हमने जो देखा गुरुदेव उसको उतना ही महत्व गुरुदेव देते थे, उतना ही श्रेष्ठ मानते थे गुरुपाद पद्म। इसलिए उसी तरह जैसे श्री जीव गोस्वामी को द्वारा जैसे प्रेरित होकर के सर्वत्र महाप्रभु का वाणी प्रचार हुआ, हमारी महाराज भी ठीक वैसे ही महाराज के अंदर में देखो दूसरे दूसरे शिष्य लोग ही उन्होंने सर्वत्र जा करके संपूर्ण पृथ्वी में महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था, पृथ्वी ते आछे जात नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है विमरना, सुखी हैया लोग मर गाय के कीर्ति, महाप्रभु का भविष्यवाणी एक दिन ऐसा आएगा संपूर्ण पृथ्वी में मेरे नाम गूंज उठेगा, सब लोग प्रसन्न होकर के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव तो संपूर्ण पृथ्वी को कहते 30-35 बार संपूर्ण पृथ्वी को, मुझे लगता है कोई आचार्य ऐसे नहीं होगा जो गुरुदेव ने पृथ्वी को जितने संपूर्ण पृथ्वी को परिक्रमा किए हैं, पृथ्वी को जितने स्थान जा पर जैसे प्रचार किया है, मुझे लगता है अभी तो कोई आचार्य मुझे लगता है नहीं होंगे जो पृथ्वी को इतना बार परिक्रमा करते हुए पृथ्वी में महाप्रभु का वाणी को प्रचार प्रसार नहीं किए होंगे। उन्होंने खुद तक किए, अभी भी उनका ही शिष्य प्रशिष्य है। अगर संपूर्ण पृथ्वी में देखो हमारे जितने सन्यासी लोग, श्री पद्मनाभ महाराज, नेमी महाराज, श्रौती महाराज और बैखानास महाराज, हमारे श्री कौन महाराज, सब
और इनके जो शिक्षा में शिक्षित जितने माताएं हैं, ब्रह्मचारी है, भक्त सिद्धांति महाराज, बन महाराज, इनका पीछे पीछे मैं भी कभी चले जाता हूँ। इसलिए इनकी शिष्य में देखो सचमुच से इनका शिष्य भारत एवं भारत का बाहर में भी सर्वत्र ये सबके सब महाप्रभु का वाणी कर रहे हैं। सबके सब भक्ति वेदांत पावन महाराज की कथा सुन लो। बोले एक समय कुछ गुरुवर्ग लोग थे, देखो इनकी क्या महिमा है। भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज क्या बोल कर गए, कुछ गुरुवर्ग थे आपस में चर्चा कर रहे थे। बोले भविष्य में मठ को लाइब्रेरी छोड़ कर गया। बोले लाइब्रेरी कौन था? बोले भक्ति वेदांत से बामन गोस्वामी महाराज। ये बामन गोस्वामी महाराज ये वहां के जिस्सी नायक थे। आपको पता होगा बामन गोस्वामी महाराज खुद एक दिन आए थे मथुरा में, कह रहे थे मेरे को इतने श्लोक याद है, अगर मैं कंटिन्यू 7 दिन तक अगर बोलूं तो महाराज स्वयं बोले तभी ये श्लोक में कभी फिनिश नहीं होगा। संपूर्ण गीता भागवत रामायण सब श्लोक महाराज को, इसलिए जब भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कोई ग्रंथ लिखते थे वो सारे श्लोकों को यही बोलने वाले देखने वाले यही थे ऐसे। और बामन गोस्वामी महाराज देखो इनके जो शिष्य प्रति जो दया और इनकी अंतर्जामी को देखो। एक समय क्या हुआ, सिलीगुड़ी की बात है, एक समय एक माता जी गुरु जी महाराज को शरण ली थी। लेकिन बंगाल में आपको पता होगा सब मांस मछली खाने वाले हैं, लेकिन पति खूब मांस मछली खाता है, लेकिन ये तो गुरु जी से दीक्षा मंत्र ले लिया है तो मांस मछली खाती नहीं। लेकिन उसका जो पति बड़े अत्याचार करती थी, क्योंकि पत्नी तो बनाने वाली है तो छोड़ दी, रोज आकर गाली गलौज करना, पिटना मारना खूब करती थी। एक दिन दुखी होकर के बोले कब तक मैं तारणा को सहन करूं, आज मैं आत्महत्या कर दूंगी। गुरु जी उसी समय भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज थे, बोले आज गुरु जी को पास में जाता हूँ, दर्शन कर आऊंगा और उसको बाद में आत्महत्या कर दूंगा। जब आए बामन गोस्वामी महाराज से मिलने के लिए, उस समय हमारे जो जनार्दन महाराज सेवक थे, बोले गुरुदेव अभी विश्राम कर रहे हैं, लेकिन बार गुरुदेव जो उठ जाए उसको बाद में मिलना। जब मिलने के लिए गए देखो कैसे इनके अंदर में अंतर जामी, तो बामन गोस्वामी महाराज के अंदर में ऐसे बड़े बड़े दिव्य कथा इनकी है, कितने दिव्य कथा इनकी अंतर जामी। तो जब ये प्रणाम करने के लिए गई तब वो बामन गोस्वामी महाराज पागली कोई आत्महत्या करते हैं, तुमको पता है आत्महत्या करने पर प्रेत जन्म में जाना पड़ता है, खबरदार आत्महत्या की भावना करना नहीं, कोई चिंता मत करो, तुम ठाकुर जी को भोग लगा करके प्रसाद, तुम्हारी पति को इसने कुछ नहीं बोली, ठाकुर को भोग लगा कर प्रसाद खिलाया करो, वो अंदर से ही परिवर्तन लाएगा। वो तो अचके बके चके हो गए, मेरे को कैसे पता चला मैं आज आत्महत्या करने वाला हूँ। बोले चिंता मत करो, कुछ दिन बाद में तुम्हारी पति इतना बड़ा भक्त होगा, तुमसे भी जड़ा भक्त ज्यादा भक्त होगा तुम्हारी पति स्वयं महाराज जी। बोले सचमुच से उसने अभी माता जी भारती माता जी है, मैंने ये कथा जब गोवर्धन में सुनाई ना वो माता जी, मेरे को पता नहीं था ये भारती माता जी, फिर आकर उन्होंने सारी बात बताई, ये बात मेरी बात है। सचमुच से एक दिन उसका पति इतने परिवर्तन हो गया, वो पत्नी से भी ज्यादा पति भक्त में आ गया, ज्यादा भक्त में आ गया। जब मैंने ये कथा सुनाई ना, यहाँ पर रश्मि दीदी होगी, रश्मि दीदी है यहाँ पर, इसलिए रश्मि दीदी का जो पति था ना है, उसका पति देव है कि नहीं, उसने आकर के बोले, बोले महाराज ये मेरी जीवन की कथा है, ये मेरी जीवन की कथा है, सचमुच से ये इनका महाराज बामन हमारे बनवार में शिष्य बने, हमारे अभी आईजीबीटी का है ये जस इसमें किया, उन्होंने महाराज को उन्होंने भोग लगाया। जब उन्होंने भोग लगाए और गुरु जी को उन्होंने स्मरण किया, गुरु जी आपको तो ये पीठा माना बंगला में बहुत अच्छी है, कहते आप तो इस बड़ा प्यारा है आज बड़े सुंदर सुंदर, और उन्हें जो ध्यान लगाया ना गुरुदेव वहां पर प्रकट हो सका, साक्षात प्रकट होकर उन्होंने प्रसाद पाए। और उन्होंने जब नवद्वीप परिक्रमा आई गुरुदेव को, उन्होंने बोले गुरुदेव इसी दिन आप मेरे घर में आए थे, बोले कौन सा डेट देखो, बोले हाँ उसी दिन मैंने तेरे घर में आया था। इसलिए इनकी गुरु जी की जब उन्होंने बामन से भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज का जीवन चरित्र लिखा, उसमें जो मुखबद्ध इंट्रोडक्शन देने के लिए वो सोच रहे थे क्या दूं, रात में गुरुदेव प्रकट हुए, रात भर उनको साथ में उन्होंने बात की। बोले इनका जो दिव्य है ना अद्भुत इनका जीवन चरित्र है, इसलिए हम लोग सोचते हैं हमारे बड़े सौभाग्यवान है जो ऐसे महापुरुषों को जो हम लोगों ने जो दर्शन किया ना, इनकी जो शरण में आए, ये समझो
हमारी करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई सौभाग्य उदय हुआ है, हमारी कोई सुकृति उदय हुआ जो ऐसे महापुरुष का हम लोगों ने कम से कम को हमारे दर्शन के बल में प्राप्त हुआ है, इन्हीं के बल दर्शन मिला है। इसलिए एक श्री विश्वनाथ चकुर ठाकुर कहते हैं, कहते एक होता है आचार्य अभिमान, मतलब है अगर किसकी ये अभिमान हो जाए, भैया तुम शिष्य किसके है, बोले भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, बोले तुम्हारी परम गुरुदेव कौन, बोले भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, परात पर गुरुदेव कौन, भक्ति सिद्धांत, अगर किसके अंदर में इतना अभिमान हो जाए ना आचार्य तो अभिमान, बोले अगर इतना अभिमान किसको हो जाए तो शास्त्र कहता है आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी इतने अभिमान मात्र से ही। इसलिए हम बड़े सौभाग्य के बाद ऐसे जो गुरु परंपरा में हम लोगों ने जो आए हैं ना, हम लोग साधारण मत समझना ऐसे गुरु परंपरा में आए। इसलिए एकादश स्कंध में बताए कलयुग में देवता लोग भी, बोले देवता की बात छोड़ दो, जो सत्य युग में जो लोग आए, सत्य युग की बात छोड़ दो, जो त्रेता युग में जो आए, त्रेता युग जो द्वापर युग में जो लोग आए हैं वो भी कलयुग में जन्म लेकर के महाप्रभु की धारा में अभिषिक्त होकर के ये भजन करना चाहते हैं। बोले क्यों, बोले सत्य त्रेता द्वापर युग उनको मिला तो किया, किसको वैकुंठ नहीं तो किसको वृंदावन नहीं तो अयोध्या धाम मिले, लेकिन ये महाप्रभु को लाइन में महाप्रभु की धारा में जो अभिषिक्त हुए हैं श्री प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं उनको क्या पद की प्राप्ति होगी। बोले ब्रह्मा विरिंचिर बांचित जे प्रेम जगते फैलिल ढाली कांगाले पाइया खाइल नाचाइया बाजाइया कर डाली। बोले जिस चीज को पाने के लिए ब्रह्मा भी ब्रह्माचल पर्वत रूप में प्रार्थना करते हैं, जिस प्रेम को पाने के लिए शंकर जी स्वयं गोपीश्वर रूप धारण करते हैं, जिस प्रेम को पाने के लिए अभी भी लक्ष्मी बैल वन में बैठ कर तपस्या करती हैं, जिस प्रेम को पाने के लिए उद्धव जी ब्रज में त्रिना गुल्म लता बनने के लिए इच्छा करते हैं, जो केवल महाप्रभु की धारा में अभिषिक्त हुए, केवल उनकी आचार जति का अभिमान करते हुए ये हरे कृष्ण महामंत्र महाप्रभु की अनुगति में प्राप्त करते हैं, कत एक साथ में उसको वो दुर्लभ प्रेम की प्राप्ति। और भक्तिविनोद ठाकुर कहते एक साथ में उनको गोलोक वृंदावन में भी राधा रानी की दासी और महाप्रभु का धाम में भी उनको महाप्रभु का परिकर तो की प्राप्ति होती है। इतने महिमा है जो महाप्रभु की धारा में जो लोग आए हैं, इसलिए समझो हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, हम लोग बड़े सौभाग्यवान ऐसे गुरु परंपरा की लाइन में हम लोग आए हैं। इसलिए दोनों महापुरुष की अथाह चरित्र है, हम लोग तो समय समय पर हम लोग ने सुना है कि इसे हमारे गुरु जी की क्या दिव्यता, जो कि हर समय श्री राधा दासी मंजरी भाव को देने के लिए जो दृढ़ रूप में हमारे श्रोती महाराज कह रहे थे ना, बहुत अच्छी बात कर रहे थे। इसलिए गुरुदेव बोले नहीं, पहले तुम्हारी लक्ष्य को पहले स्थिर कर दो, भले ही तुम्हें कितने जन्म में मिले कि नहीं मिले, लेकिन अपना लक्ष्य एक जीवन में स्थिर कर दो। अगर लक्ष्य तुम्हारे एक स्थिर हो गया ना, जरूर जब इस गुरुदेव और एक बात कहते थे, जब हम श्री महाप्रभु का लाइन में आए हैं, आप बताओ यहाँ पर किसने हमको लाए, कहते ना ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्त लता बीज, कहते ब्रह्मांड भ्रमण करते करते किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को गुरु कृष्ण कृपा से भक्ति लता बीज प्राप्त हो। गुरुदेव कहते थे हम ये गौड़ीय महाप्रभु लाइन में क्यों आए, रामानुज संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय संप्रदाय थे हम यहाँ पर, गुरुदेव हम क्यों आए, हमको लाए कौन, बोले कृष्ण ही महाप्रभु लाए। निश्चित रूप में गुरुदेव कहते थे हमारी अंदर में राधे राधा दासोत्त की हमारी अंदर में भाव है, नहीं तो हम यहाँ कभी नहीं आ सकते हैं। इसलिए महाप्रभु की धारा में जो लोग आए हैं ना, हम लोग को साधारण मत समझो, ये श्री महाप्रभु ने ही हमें ये लाइन में आए, जरूर हमारी अंदर में राधा दासोत्त की ये भावना है हमारी अंदर में प्रोटीन स्वरूप में। इसलिए हम इन गुरु परंपरा को हम प्रणाम करते हैं, ये लोग हम सबको परम कृपा।